नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल कुकलीपुर सठियाओं आजमगढ़, एडमिशन ओपन और वुडन टच भवनाथ आजमगढ़। आजमगढ़ में जहरीली शराब से मौत के मामले में पहले तो इनकार के बाद अब आजमगढ़ के एसपी सुधीर कुमार सिंह ने लापरवाही बरतने पर कार्रवाई करते हुए पवई थाना अध्यक्ष, मित्रपुर पुलिस चौकी इंचार्ज व एक हेड कांस्टेबल को निलंबित किया है। वहीं आजमगढ़ में जहरीली शराब का दायरा अब पवई से आगे दीदारगंज थाना क्षेत्र तक पहुँच चुका है। यहाँ भी जहरीली शराब से 5 की मौत की सूचना मिली है। वहीं 2 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत भी हुई है। शराब के सेवन से मौत के मुंह में गए लोगों के परिजनों ने अंतिम संस्कार किया, जबकि 2 शवों को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ताजा घटनाक्रम में दीदारगंज थाना अंतर्गत आरनौला व इमादपुर गांव में जहरीली शराब पीने से बुधवार के दिन में कुछ लोगों की हालत बिगड़ने लगी तथा कुछ लोगों को दिखाई न देने की शिकायत पर परिजनों ने आनन फानन में प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना शुरू किया, लेकिन उनमें से इमादपुर निवासी जोगेंद्र पुत्र रामदवर, संजय पुत्र समारू, केशव पुत्र सुरेंद्र तथा अरनौला गांव निवासी लोचन पुत्र खदेरू व फेकू पुत्र रिवई की शराब पीने के कारण मौत हो गई। इनका दाह संस्कार परिजनों ने बीती रात में ही कर दिया, जबकि अरनौला में ही खानाबदोश जिंदगी जीने वाले दंपत्ति परमिला पत्नी जगदम्बा तथा जगदम्बा पुत्र सेवक की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई। परिजनों का कहना है कि दोनों बीमार थे, बीती शाम दवाई खाकर सोए फिर न उठ सके। सूचना पर दीदारगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों पति पत्नी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजी। मौके पर उपजिलाधिकारी मार्टिनगंज दिनेश कुमार मिश्रा भी पहुंचे। इस संबंध में ग्रामीणों व परिजनों ने बताया कि लोचन, फेंकू, जोगिंदर, केशव व संजय की मौत शराब पीने के कारण हुई है तथा सोमनाथ पुत्र सतई, ब्रजेश पुत्र सुरेंद्र, खजांची पुत्र चंद्रिका, जितेंद्र प्यारेलाल सहित दर्जनों लोगों का इलाज प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है। आजमगढ़ के पवई थाना क्षेत्र के मित्रपुर ग्राम सभा में जहां पर नकली शराब बन रही थी, वहां पर कुछ स्टिकर, सीसी के ढक्कन और कुछ साक्ष को जलाकर खत्म करने की कोशिश की जा रही थी। ग्रामीणों ने सुबह जहां पर शराब बनाई जा रही थी वहां पर खुद भारी संख्या में पहुंच गए और तुरंत सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने इसको पुराना स्टिकर और पुराना सीसी का ढक्कन बताकर मामले को हल्का करने की कोशिश की, लेकिन मौके पर आक्रोशित ग्रामीणों की सूचना पर क्षेत्र के एसडीएम, मजिस्ट्रेट भी पहुंच गए। पवई थाना पुलिस का कहना है कि यह ढक्कन और सीसी स्टिकर जो जलाए गए हैं अंबेडकर नगर पुलिस को सौंप दिए जाएंगे, जबकि यह अंबार आजमगढ़ जिले में मिलने पर सभी आक्रोशित लोगों ने कार्रवाई की मांग की। आजमगढ़ की पुलिस पर लोगों को विश्वास नहीं था। उनका कहना था कि अंबेडकर नगर के एसपी का बयान है कि नकली शराब मित्रपुर में बनाई जा रही थी और वहीं से बेची जा रही थी। यहाँ सब आज से संडास करने के लिए यहाँ मैदान ही करते हैं, तो यही सब देखे पानी में तो ही निकाल कर लोग बाहर किए इसको। जी हाँ, और कुछ? हाँ सर, वो लेटरिंग करने आए थे, उसके बाद यहाँ देखे शंका हुआ तो हल गए, देखे तो सब मिला, यही सब। वहाँ भी जलाया गया है, मिला है। यहाँ सब भाई लोग आए थे, 2-3 लोग लाइटिंग करने के लिए। यहाँ पे पोखरा है, यहाँ पे पानी धोने के लिए आते हैं सब। यहाँ पर कोई, लेकिन कोई एसओ या नेता कोई नहीं मान रहे हैं, इसलिए छानबीन भी कर रहे हैं। कोई अभी तक द्वार पे नहीं पहुँचा था, इसलिए सब लोग बोले कोरोना से मर रहे हैं। कोई अभी आजमगढ़ में बोल रहे हैं कोरोना, और अम्बेडकर नगर में बोल रहे हैं कि कोरोना नहीं है। पीते पीते यहाँ पे सब जनता लोग मर रहे, कम से कम 60-70 लोग मर चुके हैं। आगे अभी तक कोई आया नहीं है। मेरा नाम सर राजेश सोनी है, मैं मृतक का सर भाई हूँ, बब्बू सोनी का। सर इनके द्वारा पूरा नरसंहार हुआ पूरे क्षेत्र से, जितनी मौत सब यही जिम्मेदार सर मोतीलाल, उनका बेटा गुड्डू साहू सर साथ में था पूरा। आप पूरा क्षेत्र पता करेंगे सर? ठीक है, संजय सेठ का नाम था, फेंजाजी मोती चला रहे थे, उसमें सर राजेश अग्रारी भी सब साथ मिले हुए हैं। सर सर 888 वाला मिला है अंबेडकर नगर वाला लिए भी। सर आप सामने सबूत देख रहे हैं, उसके पास जितना अभी पूरा सर्च करें सब मिलेगा सर यहाँ पे आजमगढ़। सर उसके बाद भी हमारा कोई कार्रवाई कुछ भी नहीं हो रहा सर, यही पे पूरा माल सप्लाई होता है। एक भी सर कार्रवाई अभी तक मुझे ये भी नहीं पता, मेरा FIR लॉन्च हुआ नहीं हुआ सर? अभी तक हम लोग PM भी करा लिए सर, ये लोग अफवाह, कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट भी है, इसको अब क्या चाहते सर अभी? आजमगढ़ में कोरोना कर्फ्यू का असर देखने को मिल रहा है, यही कारण है कि पिछले कई दिनों से
कोरोना के मामले बेहद कम आ रहे हैं। 13 मई को 41 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि 6303 की रिपोर्ट निगेटिव आई। एक्टिव मरीजों की संख्या 3270 है। तो वहीं राजकीय मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण से 13 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 10 आजमगढ़, 1 गाजीपुर, 1 अंबेडकर नगर तथा 1 बिहार प्रांत का निवासी है। नोडल अधिकारी डॉक्टर दीपक पांडे ने बताया कि रौनापार थाना क्षेत्र के 60 वर्षीय रामबदन मौर्य को 12 मई की दोपहर में 1 बजे भर्ती किया गया था। इलाज के दौरान उसी रात 12:40 पर उनकी मौत हो गई। अतोलिया के 70 वर्षीय बिजनाथ पांडे को 10 मई की रात 11 बजे भर्ती किया गया था। इलाज के दौरान बुधवार की रात में 12:20 पर उनकी मौत हो गई। गंभीरपुर के 59 वर्षीय रामबोध विश्वकर्मा को 6 मई की प्रातः 7:42 पर भर्ती किया गया था। बुधवार की रात 9 बजे उनकी मौत हो गई। गंभीरपुर के 60 वर्षीय रामलखन चौहान को 6 मई की प्रातः 8:13 पर भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान बुधवार की प्रातः 8:15 पर उनकी मौत हुई। मुबारकपुर की 50 वर्षीय रमावती को 11 मई की प्रातः 11:30 पर भर्ती किया गया था। इलाज के दौरान बुधवार की रात 11:35 पर उनकी मौत हो गई। इंद्रवती देवी को 12 मई को भर्ती किया गया था। इलाज के दौरान उसी रात 9:50 पर उनकी मौत हो गई। तरवा के 52 वर्षीय आतवारू मौर को 5 मई की दोपहर 11:45 पर भर्ती किया गया था। इलाज के दौरान बुधवार की रात 9:30 पर मौत हो गई। फूलपुर के 74 वर्षीय टिल्लू जसवारा को 12 मई बुधवार की शाम 6:15 पर भर्ती किया गया था। इलाज के दौरान गुरुवार प्रातः 7:20 पर उनकी मौत हुई। मेहनगर के 73 वर्षीय वासदेव लाल की 12 मई को बुधवार की रात 8 बजे भर्ती किया गया था। इलाज के दौरान गुरुवार की प्रातः 8:40 पर उनकी मौत हुई। वर्धा के 60 वर्षीय जयप्रकाश राय को 8 मई की दोपहर 12 बजे भर्ती किया गया था। इलाज के दौरान गुरुवार की प्रातः 4 बजे उनकी मौत हुई। इसी क्रम में गाजीपुर जनपद के सैदपुर निवासी 45 वर्षीय राजेश सिंह कुशवाहा को 29 अप्रैल की प्रातः 8:45 पर भर्ती किया गया था। इलाज के दौरान बुधवार की शाम 6 बजे उनकी मौत हुई। वहीं अंबेडकर नगर की शारदा को 12 मई के दौरान 12:13 पर भर्ती किया गया था। इलाज के दौरान बुधवार की रात 8 बजे उनकी मौत हुई। जबकि बिहार प्रांत के सिवान निवासी 52 वर्षीय राजन कुमार को 16 अप्रैल की शाम 5:30 पर भर्ती किया गया था। इलाज के दौरान बुधवार रात 2 बजे उनकी मौत हुई। आखिरकार जहरीली शराब प्रकरण से पुलिस प्रशासन हरकत में आया। पुलिस अधीक्षक सुजीत कुमार सिंह ने पवई थाना अध्यक्ष अयोध्या तिवारी, मित्रपुर चौकी प्रभारी अरुण कुमार सिंह व बीट के हेड कांस्टेबल राजकिशोर को निलंबित कर दिया है। एसपी ने अंबेडकर नगर जिले में हुई जहरीली शराब से मौत की घटना के बाद समय से कार्रवाई न करने व निष्क्रियता बरतने पर यह कार्रवाई की है। जहरीली शराब मामले में पुलिस प्रशासन से पूर्व आबकारी विभाग ने अपने एक इंस्पेक्टर एवं दीवान के खिलाफ कार्रवाई की है। एसपी ने बताया कि पड़ोसी जनपद अंबेडकर नगर में जहरीली शराब से मौतें हुई थीं। विवेचना में आया कि शराब जिले के पवई थाना क्षेत्र के मित्रपुर क्षेत्र के सरकारी ठेके के पास से मोतीलाल नामक आदमी द्वारा बेची गई थी। मुकदमा भी दर्ज किया गया था। इस मामले में अवैध शराब की बिक्री न रोकने और निष्क्रियता बरतने पर एसओ मित्रपुर चौकी इंचार्ज और हेड कांस्टेबल को मेरे द्वारा निलंबित कर दिया गया है। 5 को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि जनपद आजमगढ़ के पवई थाना क्षेत्र से सटे हुए थाना जैतपुर जो कि अंबेडकर नगर जनपद में आता है में कुछ लोगों की अवैध शराब पीने से मौत हो गई थी। इस समय वहां पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था और उसमें विवेचना के दौरान ये पाया गया कि यह शराब मित्रपुर के लाइसेंसी ठेके के बराबर से मोतीलाल नामक व्यक्ति द्वारा बेची गई थी। इस संबंध में मित्रपुर चौकी क्षेत्र के चौकी इंचार्ज, बीट कांस्टेबल और थाना पवई के थाना अध्यक्ष द्वारा उक्त अवैध शराब बेचने के वाले के विरुद्ध समय से रहते हुए कार्रवाई न करने तथा निष्क्रियता बरतने पर मेरे द्वारा उन थानाध्यक्ष पवई श्री अयोध्या प्रसाद तिवारी, चौकी इंचार्ज मित्रपुर श्री अरुण कुमार सिंह और हेड कांस्टेबल राजकिशोर जो कि बीट का हेड कांस्टेबल है तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। आज दैनिक अखबार में 5 लोगों की अवैध शराब होने से मौत की खबर प्रकाशित हुई है। मैं स्वयं अपने जो अधिकारी हैं उनके साथ मौके पर जाऊंगा, उनके परिवार वालों से बात करूंगा और जो कुछ भी बात सामने आएगी जांच के दौरान उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
कोरोना काल में रोडवेज की बसों में कोविड की गाइडलाइन का पालन कराते हुए बसों के संचालन की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही रोडवेज परिसर में कोविड हेल्प डेस्क और कोविड की जांच का दावा भी जिला प्रशासन और परिवहन निगम द्वारा किया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर डिपो के ARM ललित कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि बसों में यात्रियों को बिना मास्क के यात्रा की अनुमति नहीं है। अगर उनके पास मास्क नहीं है तो परिचालक से 10 रुपये देकर मास्क प्राप्त कर सकते हैं। उनका कहना है कि बसों को प्रतिदिन सैनिटाइज कराया जा रहा है। परिचालकों को सैनिटाइजर दिया गया है कि प्रत्येक यात्री के हाथों को सैनिटाइज कराने के बाद ही बसों में प्रवेश करने दें। साथ ही यात्रियों की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से टीम रोडवेज परिसर में लगाई गई है। परिवहन विभाग ने मास्क के लिए विशेष तौर से एक अभियान चलाया है। हर यात्री मास्क के साथ ही यात्रा करे, इसके लिए परिचालकों को मास्क प्रोवाइड किया गया है। जो यात्री बगैर मास्क बस में हैं उनको 10 रुपये फी मास्क प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि वो सेफ है। और भी यात्री हैं उनके कोविड की जांच के लिए क्या कोविड की जांच के लिए हर स्टेशन परिसर में स्वास्थ्य मेडिकल टीम लगी है जो यात्रियों का भी जांच करती है। आउटसाइडर भी आते हैं वो उनका भी टेस्ट करती है। लगभग कितने लोगों की जांच की जा रही है? स्वास्थ्य टीम है तो रेगुलर जितने सामने आए थे उनकी जांच करती है। और बसों के सैनिटाइजेशन के लिए हम लोगों ने अपनी व्यवस्था रख छोड़ी है। बसें दैनिक रूप से सैनिटाइज होकर निकलती हैं। या परिचालक को सैनिटाइजर हमेशा जर्नी प्रारंभ करते हुए दिया जाता है कि जितने यात्री हैं उनको सैनिटाइज करा लें तभी बस में यात्रा कराएं। किसी यात्री के पास मास्क नहीं है उसकी मजबूरी देखते हुए उसको मास्क दिया जाता है परिचालक के द्वारा। वहीं ARM के दावे के विपरीत जब हमने रोडवेज परिसर में कोविड हेल्प डेस्क का हाल जाना तो हेल्प डेस्क पर कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं था। थर्मल स्कैनिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। कोविड की जांच टीम के कई सदस्य तो खुद बिना मास्क के जांच कर रहे थे, जबकि एक परिचालक का कहना था कि सैनिटाइजर तो मिलता है लेकिन मास्क यात्रियों के लिए नहीं दिया जाता। यात्रियों के लिए कुछ नहीं दिया जा रहा है, मतलब आप लोगों को मास्क नहीं मिला, सैनिटाइजर मिल रहा। तो जैसे तो कह रहे थे ARM साहब कह रहे थे कि आप लोगों को दिया जा रहा है 10 रुपये में यात्रियों को देने के लिए, कुछ ऐसा नहीं है? ऐसा कुछ। क्या नाम आपका है? किस डिपो से हैं आप? आजम। तो बसों का सैनिटाइजेशन वगैरह कुछ हो रहा है कि नहीं? कुछ नहीं। अब हम लोग तो छोड़ देते हैं, अनुबंधित गाड़ियां हैं ये सब, हम लोग आते हैं तो यहाँ छोड़ देते हैं, लेकिन अंदर गाड़ी जाती नहीं है। ये बाहर धुलाई उलाई काम इसका बाहर होता है, निगम की गाड़ी नहीं है। अंदर सैनिटाइजेशन आप लोग होता हो, मतलब सैनिटाइजर मिल रहा है? हम लोग सैनिटाइजर मिल रहा है, मास्क नहीं मिलता। और जाँच वगैरह कोई सुविधा वगैरह यहाँ है कि नहीं? जाँच तो कहीं कुछ नहीं देख रहे हैं। सब खाली बनारस कागज हो रहा है, खाली कागज पे। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़ अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, फोर माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए चार चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। ये है आजमगढ़ के कुकड़ीपुर सठियाओं में विस्तार में फैला क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल। क्रॉस वैली आजमगढ़ में अपनी 5 अलग अलग ब्रांचेस द्वारा स्टूडेंट्स को शिक्षित कर रहा है। क्रॉस वैली स्कूल CBSE दिल्ली मान्यता प्राप्त स्कूलों में से एक है। क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से लेकर 12th तक के छात्रों को वेल एजुकेटेड टीचर्स द्वारा पढ़ाया जाता है, ताकि यहां से शिक्षा प्राप्त कर रहे स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो। डायल करें 9453724198 या 9450118255।